हाय गाइस, ये वीडियो मैं आउट ऑफ शीयर एग्जॉशन बना रहा हूँ क्योंकि कल परसों मेरी यूट्यूब फीड में एक वीडियो आई जिसमें लिखा था हाउ टू रिड्यूस फेस फैट, और उस वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज थे। 5 मिलियन! मैं कहा इतने व्यूज हैं तो बंदा सही बोल रहा होगा। तो उस बंदे का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम डाल के वीडियो हटवा देगा, लेकिन मुझे पता है आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और अगर आपने नहीं भी वो वीडियो देखी तो ऐसी हजारों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मैं मजाक नहीं कर रहा, जिनमें वो ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं कि मुझे देख के एकदम एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिको, मुझे एकदम शॉक लगा। मैं कहा इतना बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, सीरियसली क्या क्या बोल रहे हैं लोग। एक्सरसाइज करिए फेस की अलग से, आप फुग्गे फुलाइए, आप मुंह में ये मुंह में चम्मच लेकर बैठ जाओ 10 सेकेंड। क्या पागलपन है ये! इससे फेस फैट नहीं कम होता है। पूरा दिन बैठ के च्युइंगम चबा लीजिए, पूरा दिन बैठ के फुग्गे फुला लीजिए, कुछ नहीं होगा फेस फैट पे। फेस फैट कम करने के सिर्फ 2 या 3 तरीके हैं जो मेडिकली प्रूवन हैं, जिनको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आइसोलेटेड फैट रिडक्शन जैसा कुछ होता है। आप एक स्पेसिफिक जगह से फैट को नहीं हटा सकते। आपकी बॉडी की आदत होती है, कुछ जगह वो वाटर ज्यादा रिटेन करती है, जैसे आपका फेस है, आपकी बैक है, लोअर बैक है, लव हैंडल्स हैं, थाइज हैं, ग्लूट्स हैं। ये जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स का इंटरप्ले होता है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। तो बात आती है आप कर क्या सकते हैं। स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ नहीं होता। आप एक लोकल स्पॉट, एक लोकल एरिया से खाली फैट नहीं हटा सकते, आपको ओवरऑल फैट रिडक्शन करना पड़ेगा, ओवरऑल कैलोरिक डेफिसिट में जाना पड़ेगा। जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी आप खा रहे हैं, उससे ज्यादा आपको बर्न करनी पड़ेगी। सिंपल बात है सर, वर्कआउट, डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन, ये सारी चीजें मिला के जब ओवरऑल फैट परसेंटेज बॉडी की कम होगी, ओवरऑल बॉडी का पानी रिटेन करना कम होगा, आपकी हैबिट्स ऐसी होंगी जो हेल्दी होंगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पानी कम रिटेन करेगी, तभी फेस फैट कम होगा। कुछ क्विक फिक्सेस होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे आप 5 दिन 7 दिन कीटो डाइट पे चले जाएं, आप अपना सॉल्ट कंजम्पशन कम कर दें, आप 2 दिन पानी पीना बंद कर दें, ये सारी बहुत अनहेल्दी चीजें होती हैं, लेकिन ये रिजल्ट लाती हैं 1 या 2 दिन के लिए। आपकी कोई फोटोशूट है, आपको किसी एक दिन के लिए अच्छा लगना है तो ये काम करता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है फेस फैट रिड्यूस करने का, उस बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज है वाटर रिटेंशन। आपको वाटर रिटेंशन अपनी बॉडी से प्रिवेंट करना है। वो आप कैसे करेंगे? आप सॉल्ट अपना थोड़ा कम करेंगे। 5 ग्राम सॉल्ट एक अडल्ट के लिए पूरे दिन में इनफ होता है, और उसमें सारे सॉल्ट इंक्लूडेड है जो आपकी डाइट में जा रहा है, सब्जी दाल रोटी में जितना नमक है, सैलेड में जितना नमक है, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। उसके बाद 5 ग्राम के ऊपर आपको और एडेड सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है। जब बॉडी में नमक ज्यादा होता है तो बॉडी पानी रिटेन करती है, और पानी कहाँ रिटेन होता है? आपके चेहरे पे, आपकी थाइस पे, आपके एंकल्स पे, आपकी लोअर बैक पे, आपके अब्डोमिनल एरिया में। तो वो वाटर रिटेंशन अगर कम हो जाएगी तो 10 से 15% जो आपको ये ब्लोटेड सा लुक होगा आपका, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा है शुगर कम ले। शुगर से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिना चीनी की चाय पिए, मेरा मतलब है कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें कॉर्न सिरप होता है, प्रोसेस्ड फ्रुक्टोज होता है, पैक्ड फ्रूट जूसेस जिसमें इतनी इतनी चीनी होती है। अगर आप कभी मोड़ के देखेंगे वो पैकेट, तो सर उसके पीछे लिखा होता है 100 ml, 500 ml की बोतल है, 100 ml में 12 से 14 ग्राम शुगर, 14 ग्राम समझते हैं आप, 3 चम्मच चीनी, यानी एक पूरी बोतल में 15 चम्मच चीनी होती है। उससे बचे सर, उतनी शुगर आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो भी बहुत वाटर रिटेन करेगी, प्लस वो क्या करेगी, वो बाद में एक्सेस शुगर क्या होगा, वो आप यूटिलाइज तो कर नहीं रहे हैं, उतनी आप शुगर बर्न भी नहीं कर सकते इफेक्टिवली, तो आपकी बॉडी एज फैट उसको स्टोर कर लेगी, और उसके बाद वो फैट कहां जाएगा, आपके चेहरे पे, आपके पेट पे, आपकी थाइस पे, आपके एंकल्स। अगला तरीका है कार्डियो। ऑब्वियसली कार्डियो ज्यादा करनी है अगर आपको ओवरऑल फैट रिडक्शन करना है। मेरी फैट लॉस पे एक बहुत इफेक्टिव वीडियो है जिसमें मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी डिस्क्राइब करी है, जिसमें मैंने टोटल 28 किलो वजन लूज किया है। उसमें मैंने सब बताया है कि मैं क्या क्या लिया, कौन सी मेडिकेशन ली, कौन सा सप्लीमेंट लिया, कैसे एक्सरसाइज करी, कैसे खाना खाया,
उसका मैं लिंक डालूंगा वीडियो का नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो वो सजेशंस में भी आपको वीडियो में दिखेगी, तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें सारे तरीके मैंने बताए हैं, इंक्लूडिंग कार्नेटीन, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, प्री वर्कआउट्स, फैट बर्नर, सारी चीजें। और बहुत लोग बोलेंगे सर शॉर्टकट क्या है, फैट बर्नर ले लें, ब्लैक स्पाइडर, ब्लैक मामा, क्लैनब्यूट्रोल ले लें, एस्थिलिन ले लें। नहीं सर, ये सारी चीजें सिर्फ तब काम करती हैं जब आपकी डाइट बैलेंस होती है, आप वर्कआउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे ये सब लेंगे और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपका इतना वजन और इतना फैट कम हो जाएगा, ये तरीके सेफ नहीं है। मैंने क्लैनब्यूट्रोल पे भी वीडियो बनाई है, उसका भी नीचे लिंक डालूंगा, फैट बर्नर्स के बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया है, तो प्लीज उनको देखें, उसको समझें, इनके रिस्क क्या है उसको समझें। इससे बहुत आसान तरीका है, फैट लॉस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपकी बॉडी फिजियोलॉजी नॉर्मल है, आपके थायराइड लेवल्स नॉर्मल है, आप डायबिटिक नहीं है, तो सर फैट लॉस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़े डिसिप्लिन की जरूरत। डे इन डे आउट वर्कआउट, पूरी मेहनत, कार्डियो और क्लीन डाइट बहुत जरूरी है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो कोई तरीका ही नहीं है कि आपके फेस पे फैट जमा हो। फेस पे फैट क्यों जमा होता है, क्योंकि यहाँ चीक्स के नीचे एक फैट ग्लोब्यूल होता है, ये सबके पास होता है, और जब भी आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट होता है तो ये यहाँ आके स्टोर हो जाता है। आपने देखा होगा जब वजन बढ़ता है तो चेहरे पे बहुत जल्दी आता है, और लेकिन जाता लास्ट में है ना, ये चीज इसी वजह से होती है। और बहुत सारे एक्टर्स मॉडल्स जो हैं वो सर्जरी करा के इस फैट ग्लोब्यूल को परमानेंटली निकलवा लेते हैं, लेकिन ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ये हम नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। हमें कोई फिल्म में एक्टिंग नहीं करनी, हाँ ना हमें फोटो खिंचाने के कोई करोड़ों रुपए दे रहा है। एक और प्रैक्टिस एक्टर्स और मॉडल्स में बहुत कॉमन है, इवन बॉडी बिल्डर्स जो कम्पीट करते हैं उनमें बहुत कॉमन है, कि वो शो से या फोटोशूट से पहले डायूरेटिक्स लेंगे, अपनी बॉडी से सारा पानी फ्लश आउट कर देंगे और पानी का इनटेक कम कर देंगे। वो 2 या 3 दिन पहले जो है बिल्कुल पानी लेना छोड़ देते हैं, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और 1 दिन पहले बिल्कुल ही नहीं लेंगे। उससे क्या होगा, एब्स के बीच की लाइनिंग होगी, बॉडी के मसल्स के जो कट्स होंगे वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन ये अगेन आई एम वार्निंग यू, ये हेल्दी नहीं है, इसका बेटर ऑल्टरनेटिव है आप ज्यादा पानी पीजिए। जी हाँ, मुझे पता है ये सुनने में पैराडॉक्सिकल लग रहा है, कैसा लग रहा है, लेकिन आप जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना आपकी बॉडी के पास पानी भरपूर मात्रा में होगा, उसको लालच नहीं होगा पानी का और वो पानी नहीं रिटेन करेगी। तो हेल्दी तरीका ये है वाटर रिटेंशन प्रिवेंट करने का कि आप इनफ वाटर लें। अगर आप एक हेल्दी अडल्ट हैं, 60 किलो से ऊपर आपका वजन है, तो 4 से 5 लीटर पानी कहीं नहीं गया दिन में सर, बहुत है, इनफ है, और वो आपकी बॉडी का वाटर रिटेंशन पोटेंशियल कम करेगा, वो आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर रिटेन होने से रोक देगा। फाइनली एक चीज मुझसे जो लोग पूछते हैं कि सर आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, एक स्वीट स्पॉट 10 से 15% बॉडी फैट के बीच में जो है दैट इज मोर देन इनफ फॉर अ कट जॉ लाइन, इससे कम जो है हेल्दी नहीं होता। 10% से नीचे या 7-8%, और कुछ लोग तो कहते हैं अराउंड द ईयर हम 7-8% बॉडी फैट पे रहते हैं, मैं मानता हूं आप रहते होंगे, लेकिन सर वो हेल्दी नहीं है, उससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम होंगे, आप एडिक्वेट फैट इनटेक नहीं लेंगे, तो बहुत सारी हार्मोनल प्रोसेसेस होती हैं बॉडी में जो डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि हेल्दी फैट्स आर द प्रिकर्सर्स फॉर मेनी हार्मोन्स इंक्लूडिंग द मोस्ट एनाबॉलिक नेचुरल हार्मोन नोन टू मैन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन आपके फैट, हेल्दी फैट कंजम्पशन पर डिपेंड करती है, तो उसको आप बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते, थोड़ा फैट लेना जरूरी होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का भी बहुत वाइटल रोल होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर आपकी बॉडी में बढ़ा होगा नेचुरली तो भी वो फैट बर्न करता है, वो फैट को स्टोर नहीं होने देता, वो आपका फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, आपका मसल एनाबॉलिज्म बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाना है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक नीचे डालूंगा। तो इस वीडियो का बेसिक पर्पस यही था कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ से बचाया जाए, इन सारे यूट्यूबर्स, इन सारे फिटनेस गुरुजी, इन सारे ढोंगियों के चक्कर में ना पड़े, जो साइंस कहती है उसको माने। शॉर्टकट होते हैं कुछ चीजों के लाइफ में, लेकिन फेस फैट रिड्यूस करने का कोई शॉर्टकट नहीं है सर, आई एम सॉरी टू से, उसका सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और हार्ड वर्क ही एक तरीका है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों से जो आपको बोलते हैं च्युइंगम चबाओ और फुग्गे फुलाओ और मुंह में चम्मच पकड़ो और ये एक्सरसाइज करो और वो एक्सरसाइज करो, इससे फेस फैट कम होगा। उन लोग को एजुकेट करें ताकि वो और लोगों को इस तरह ताकि ये झूठ प्रोपोगेट होना बंद हो। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।